दोस्तों आप सभी लोगों को फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई तो याद ही होगी। फिल्म की सिंपल सी कहानी दर्शकों को इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि लोगों ने इस फिल्म को अपना भरपूर प्यार दिया था। इस फिल्म में मंदाकिनी के सफेद साड़ी वाले सीन काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। मंदाकिनी ने इस फिल्म में ऐसे सीन दिए थे जो आज कई लोगों को याद होगा। 22 साल की मंदाकिनी ने पर्दे पर बोल्ड सीन कर सबको हैरान कर दिया था। मंदाकिनी की नीली आंखें और रूप रंग जो भी एक बार देखता था बस देखता ही रह जाता था। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने तेजी से शोहरत और सफलता की बुलंदियां छू ली थी। वह जितनी तेजी से फलक तक पहुंची थी उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गई और फिर अचानक कहीं गायब ही हो गई। तो दोस्तों चलिए आपको इस अभिनेत्री के आज से रूबरू करवाते हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में 16 साल की उम्र में की थी। इनकी राम तेरी गंगा मैली को खूब सफलता हासिल हुई। इस फिल्म के बाद इन्हें और कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला जिसमें जान, लोहा, आखिरी बाजी जैसी फिल्में शामिल है। अपने पूरे करियर में मंदाकिनी ने 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें आखिरी बार 1996 में रिलीज हुई फिल्म जोरदार में देखा गया था। इसके बाद उन्होंने अचानक ग्लैमर वर्ल्ड से दूरियां बना ली। इसके बाद वह अचानक बड़े पर्दे से दूर हो गई। अब बात आती है इनके आज की। आज यह कुल 58 साल की हो चुकी है और अपनी बढ़ती उम्र की वजह से इन्होंने काफी वेट गेन कर लिया है जिसकी वजह से यह पहले से काफी ज्यादा मोटी नजर आती है। इनके चेहरे पर काफी झुर्रियां भी आ चुकी है जिसकी वजह से यह पहले से काफी अलग नजर आती है। साथ ही इनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ चुके हैं और आज ये अभिनेत्री एक हर्बल कंपनी मैनेज कर रही है। दोस्तों आपको अभिनेत्री मंदाकिनी के आज के बारे में जानकर कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री की ऐसी अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।